दोस्तों भारत में बहुत सारे बैकहोज आते हैं और मतलब जितनी कंपनियां कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बना रही है ना, उन सबके पास बैकहोज है। बट मामला कब बिगड़ जाता है, जब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट नॉर्म्स 4 आते हैं, मतलब सीईवी नॉर्म्स 4 आते हैं ना, जब BS4 हमारी गाड़ियां हो जाती तो बहुत खेल बिगड़ जाता है। पहले लगभग आपने देखा होगा इंडस्ट्री में हर एक बैकहोज किर्लोस्कर का इंजन यूज़ करती थी, अब अगर आप देखोगे तो हर कंपनी अपना अपना इंजन यूज़ करती है, किर्लोस्कर वाला इंजन कोई यूज़ नहीं करता। किर्लोस्कर वाले इंजन के साथ फ़ायदा क्या था कि वो जो इंजन था बहुत भरोसेमंद था, जगह जगह उसके पार्ट्स मिल जाते थे, हर कोई उसको ठीक कर लेता था, बहुत सारी अच्छी बातें थी उसके बाद। अब BS4 में जब मुझसे लोग पूछते ना यार हमें बैकहोज खरीदना है कौन सी मशीन अच्छी है, तो मुझे तो ऐसे पता है यार कि मशीन तो चलो ठीक है सब अच्छी होती है, कि इसमें एक्सल कौन सा लगा है, ट्रांसमिशन कौन सा लगा हुआ है, इंजन कौन सा लगा हुआ है, हाइड्रोलिक वेल ब्लॉक कौन सा लगा हुआ है, तो मैं उन सब के हिसाब से बता सकता हूँ यार ये चीज़ें अच्छी है तो ये मशीन ले लो। तो आज हम बात करने वाले ACE AX-124 के बारे में। अब ACE का जो AX-124 आता है, मतलब एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का जो 124 मेरे पीछे आप मशीन देख रहे हो डिग मास्टर, इसके बारे में बात करने वाले। इसके बारे में आपको बता दूंगा कीमत क्या आती है, माइलेज क्या आता है, कौन सा इंजन लगा है, एक्सल ट्रांसमिशन हाइड्रोलिक वगैरह क्या सारी बातें, A to Z हम सारी बातों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना, आप चैनल में पहली बार आ रहे हो तो आप अगर वीडियो अच्छा लग जाए आपको लास्ट तक का वीडियो देखो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर और लोगों ये मशीन दिखानी तो आप शेयर वगैरह कर सकते हो, व्हाट्सअप स्टेटस वगैरह इस वीडियो को लगा के शेयर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस ACE AX-124 का एक डिटेल्ड वीडियो। दोस्तों कुछ मशीनों में क्या होता है कि मशीनें ऐसी होनी चाहिए कि नई मशीन है तो उसका कुछ नहीं होगा, बट कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जिनका 2 साल 5 साल नहीं कभी भी कुछ नहीं होता, क्योंकि वो मशीन इतनी हैवी बनाई जाती है। अब ये मशीन को ही ले लो आप, जब मार्केट में 7.5 टन की मशीनें आ रही है, ये मशीन का वजन 8 टन आता है, 8 टन के होता है इसमें ज़्यादा लोहा लगा हुआ है, आप जगह जगह मशीन में फील कर पाते हो कि इसमें 8 टन का लोहा आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है। देखो तो सबसे पहली बात आती है हमारी किसी भी मशीन में लोडर के बारे में, तो अगर हम लोडर की बात करें, फ्रंट लोडर की अगर हम बात कर लें तो ये 1.1 क्यूबिक मीटर का आता है, 1900 किलो का इसका पेलोड है, मतलब ऑलमोस्ट आप समझो कि 2 टन के आसपास ये लेके जा सकते हैं, मतलब इससे आपकी प्रोडक्टिविटी 10% तो वैसे ही बढ़ जाएगी, क्योंकि मार्केट में अगर हम बात करें तो और लोगों का इतना बढ़िया नहीं आ रहा। इसके टीथ्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, साइड में आपको पता होगा स्क्रैच वगैरह हमारी प्लेट होती है तो एक्स्ट्रा प्लेटें यहाँ पे डाली गई हैं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए, और इसके मटेरियल की आप थिकनेस देखोगे ना तो अंदर की तरफ भी आप देखो यहाँ भी प्लेट आपको एक वेल्ड दिखेगी, रीइंफोर्स दिखेगी। इसके बाद में अगर आप देखो इस पूरे के पूरे लोडर आर्म को तो ये सिंगल पीस में है, मतलब ये अलग नहीं है कि यहाँ पे कोई जॉइंट नहीं है, वही चीज़ नहीं ऐसा। और देखो मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है, सबसे ज़्यादा टाइम क्या होता है कि हमारा यहाँ से 2 साल बाद 3 साल बाद कभी ना कभी ये क्रैक हो जाता है, यहाँ से हमें वेल्डिंग करनी पड़ती, क्यों, क्योंकि लोड तो यहीं से आता है। तो देखो इन्होंने इस प्लेट को कितने लंबे पर फैला दिया है, मतलब इससे ज़्यादा फैलाने से क्या होगा कि ये पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, मतलब ये कभी टूटेगा नहीं। अच्छा एक मशीन के बारे में कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ कि जो पूरी मशीन है इस पर 2 साल अनलिमिटेड घंटों की वारंटी आती है। अब उसका मतलब क्या है कि भाई अगर कुछ भी आपका टूट जाता है ना लोडर आर्म वगैरह तो ये उस पर 2 साल की अनलिमिटेड घंटों की वारंटी देते हैं, जो देना अपने आप में एक बहुत कॉन्फिडेंस की बात है, वो ये लोग देते हैं। अच्छा दूसरी बात आप देखो कि जो इनका ये पर्टिकुलर आर्म है इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अलग और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखो यहाँ प्लेट डाली हुई है इन्होंने, इसको अंदर से डाली हुई है, इसकी थिकनेस ज़्यादा है ताकि ये बहुत हैवी रहे, मजबूत रहे। इसके अलावा जितने सारे हॉर्सेस देखोगे उनको बहुत अच्छे से माउंट किया गया है, और पंप वगैरह भी देखोगे हम लोग अगर हाइड्रोलिक सिलेंडर की बात करें तो ये ओवरऑल सिलेंडर भी बहुत अच्छे से इनकी माउंटिंग की गई है। इनका जो रनिंग एरिया है मतलब जितने लंबे पे ये खुलता है उससे इसकी रीच बहुत अच्छी हो जाती है, और बताऊँ तो 9 इंच के आसपास ज़्यादा इसकी हाइट आती है ताकि आपको रैंप ना लगाना पड़े। टू व्हील ड्राइव मॉडल के साथ में भी अगर आप इन टायरों के साथ में काम करोगे तो आपको इसमें अलग से रैंप बनाने की जरूरत नहीं है, और हाईवे वगैरह जब फिल करते हैं हम लोग बड़े बड़े ट्रक को जब हम फिल करते हैं तो यहाँ से टकराता नहीं है, बहुत अच्छा पार्ट है। और यहाँ पे आप देखो किर्लोस्कर का इंजन लगा हुआ है दोस्तों, 300 न्यूटन मीटर का हैवी टॉर्क इसके अंदर आता है, 74 हॉर्स पावर की मशीन है, 74 हॉर्स पावर हमारे बनते हैं लगभग 2200 RPM के आसपास, और अगर हम बात करें तो मशीन को आप चलाओ 1600 RPM के आसपास, 1500 RPM के आसपास सबसे ज़्यादा माइलेज के लिए। लोगों को भी पता है कि यार किर्लोस्कर का जो इंजन है ना, किर्लोस्कर का जो माइलेज है वो बहुत ज़्यादा है इस इंजन के साथ में। ये आपका हाइड्रोलिक टैंक है जो कि 80 लीटर के आसपास का होता है, और काफ़ी सही जगह लगाया हुआ है क्योंकि इस तरफ से ऑपरेटर बार बार उतरता चलता भी नहीं है। ACE AX-124 बैकहोज में हेक्सागोनल केबिन मिलता है, ऑपरेटर को बैठने के लिए आरामदायक जगह और अच्छी विजिबिलिटी के साथ में हेल्पर के बैठने की भी पर्याप्त जगह इस केबिन के अंदर है। एक चीज़ और इस बैकहोज के बारे में, इन्होंने बैटरी को हाइड्रोलिक टैंक के अंदर छुपा रखा है जो सेफ्टी के लिहाज से बहुत ही बढ़िया फीचर है। ACE AX-124 में सेफ्टी फीचर्स का भी काफी ध्यान रखा गया है, जैसे बैटरी कट ऑफ स्विच दिया हुआ है जिससे कि वेल्डिंग वगैरह करते वक्त आप बैटरी को आसानी से कट कर सकते हो, साथ ही साथ इमरजेंसी कट ऑफ स्विच भी केबिन के अंदर ऑपरेटर को मिलता है, किसी भी तरह की इमरजेंसी में मशीन का इंजन बंद कर सकता है। पीछे की तरफ आपको 14-25 के टायर मिलते हैं, ये हैवी ड्यूटी टायर है, मशीन में 16-28 के टायर का ऑप्शन भी मिलता है, बट ज्यादातर लोग ये हैवी ड्यूटी टायर ही ले लेते क्योंकि आपके 14-25 के आते हैं। अभी 14-25 के टायरों के बारे में सबसे कमाल की बात यह है कि ये जो माउंट होते हैं वो कैरेरो के एक्सल के ऊपर होते हैं, जो कैरेरो का एक्सल अपने आप में
काफ़ी हैवी चीज़ है। और आपको पता है कि इसको ज़्यादातर लोग पेटी पैक बोलते हैं। क्यों पेटी पैक बोलते हैं? क्योंकि कैरेनो का जो एक्सल आता है ना दोस्तों, उसमें कभी काम नहीं निकलता। मतलब एक बार लगा दिया सो लगा दिया, उसमें बस आप सर्विस कराते जाओ। मतलब हर 1000 घंटे पे आप उसका एक्सल ऑयल चेंज क्लीन कराना है। प्लेनेटरी जो गियर अंदर होते हैं हमारे, डिफरेंशियल वगैरह होते हैं, उनका आपको बस चेंज कराते रहना है। बाकी आपको कुछ भी और कराने की ज़रूरत नहीं है। पीछे की तरफ स्टेबलाइजर्स आते हैं, और स्टेबलाइजर्स के बारे में एक खास बात है। खास बात ये कि इनका जो सरफेस है वो बहुत चौड़ा है। मतलब जिस जहाँ से स्टेबलाइज होते हैं, तो अगर आपका बहुत ही सॉफ्ट सरफेस है, आप सॉइल वगैरह मिट्टी वगैरह भी काम कर रहे हो, तो भी गाड़ी बहुत अच्छे से स्टेबलाइज हो जाएगी। बस इनको थोड़ा क्लीन करने का ध्यान रखना कि भाई इनको डेली अगर आप क्लीन करोगे, मतलब ऐसा नहीं कि मिट्टी वट्टी लगी छोड़ दिया आपने कभी, तो वो मेंटेनेंस का पार्ट है, वो चीज़ ध्यान रखना, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ भी देखो आप, जो KPC का फ्रेम यहाँ माउंट किया हुआ है, वहाँ पे भी रीइंफोर्समेंट किया हुआ है, यहाँ भी रीइंफोर्समेंट किया हुआ है। 0.9 मीटर का जो है इसका KPC का मूवमेंट होता है, जो कि अपने आप में ज़्यादा है। मतलब मशीन की लेफ्ट भी रीच ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट में भी रीच ज़्यादा बन जाती है, वो बहुत अच्छा पार्ट है। ये जो हमारा है, इसके अंदर बहुत सारी प्लेटें डाली हुई हैं। मतलब अगर एक्सकेवेटर वाले जितने पार्ट्स की हम बात करोगे, यहाँ पे बहुत हैवी रीइंफोर्समेंट किए हुए हैं। इसका डिज़ाइन भी अगर आप देखोगे तो आपको काफ़ी अलग डिज़ाइन लगेगा। मतलब जो आपको लॉन्ग टर्म में कोई मेंटेनेंस नहीं निकालने वाला है, और ये वो वाला डिज़ाइन नहीं है जो आप नॉर्मल मार्केट में देखते हैं। दूसरी बात, इन्होंने पिंस और बुशेस को ऐसा कॉमन रखा है कि आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगी, ये आपको कहीं इसकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसके नॉर्मल हर एक पार्ट जो है मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि भाई किर्लोस्कर के इंजन के साथ में आती है, तो वहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं है। करेलो के ट्रांसमिशन के साथ में आती है, तो वहाँ से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दूसरी बात, आप ये देखो कि इसका डिज़ाइन वगैरह है, वो काफ़ी हेल्प करने वाला है आपको लॉन्ग रन के अंदर। इसमें अलग अलग अटैचमेंट भी लगा सकते हो, जैसे अगर आपका मन है रॉक ब्रेकर लगाने का, तो आप रॉक ब्रेकर लगा लो, या 6-in-1 बकेट लगा लो, या बहुत सारी इसमें एडिशनल चीज़ें आती हैं। जैसे मान लो कि आपको नॉर्मल टायर लगाने हैं, वो भी आप लगा सकते हो, जो आपका मन कर रहा है। एप्लीकेशन के हिसाब से आप चीज़ें लगाओ तो वो बेस्ट रहेगा। AX-124 का स्टिकर यहाँ पे मिलता है, और डिग मास्टर इसका जो है मॉडल नेम है। तो AX-124 दोस्तों काफ़ी टाइम से आ रहा है इनका मार्केट में, और काफ़ी अच्छी मशीन है। कुछ लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा है। मैंने 3 साल पहले एक बार वीडियो और बनाया था, उस वीडियो पे भी जाकर काफ़ी लोगों ने उसको प्यार दिया, और काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, तो मैंने सोचा ये वीडियो बना ही लेते हैं आज। हमारा बकेट जो होल्ड होता है, जिस तोता को हम जिसको कहते हैं ना, तो तोता का डिज़ाइन आपको अच्छा लगेगा। अगर कोई आप देसी मैकेनिक से बात करोगे ना, तो आपको तोता बहुत मज़ेदार लगने वाला है इस मशीन के बारे में। दोस्तों हम बात कर रहे थे तोता के बारे में, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये तोता जो है वो कितना विशेष है। क्योंकि देखो, जब आपको सिलेंडर बंद दिखेगा तो आप समझ पाओगे। दूसरी बात, इस सिलेंडर को कोई भी हार्म नहीं है। सिलेंडर पूरी तरह से प्लेट के अंदर डाला हुआ है। प्लेट की लेंथ भी बढ़ गई है, जिस कारण से आपको और ज़्यादा हैवी चीज़ मिलने वाली है। और आपको पता चलेगा कि जब आप लंबे रन में काम करोगे इस मशीन के साथ में, इस प्लेट के साथ में, तो आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा आपको। ओवरऑल यहाँ भी देखो कि इन्होंने जिस हिसाब से इसकी लंबाई बढ़ाई हुई है, तो इसकी रीच बढ़ जाती है। ओवरऑल जितना लंबा ये जा सकता है, उससे आपकी जो है मार्चिंग टाइम बढ़ जाता है। मतलब ऐसा नहीं मुझे मशीन बार बार आगे खिसकानी पड़ेगी, मैं काफ़ी लंबे एरिया में एक साथ ट्रेंच कर सकता हूँ, एक साथ वो चीज़ें निकाल सकता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ देखें, जितने भी आपको हाइड्रोलिक पाइप्स दिख जाएंगे, वो अंदर की तरफ से देखो कहीं पर स्क्रैच ना हो जाए, प्रॉब्लम ना आ जाए, उसके लिए यहाँ पे डाला हुआ है। तो अंदर रबर लगा रखी है इन्होंने। अब रबर लगाने से फ़ायदा क्या होने वाला है कि यहाँ से कभी घिसेगा नहीं, वो बहुत अच्छा पार्ट है। सारे के सारे जो पंप है, देखो यहाँ से भी आप देखो, यहाँ से भी अंदर से घिसेगा नहीं, बहुत ही कमाल की चीज़ है। अच्छा, दूसरी बात, जितने हाइड्रोलिक लाइन्स वगैरह जाती हैं वो अच्छी जाती हैं, संतुलित हैं। वेल ब्लॉक भी आपको यहीं पीछे की तरफ दिख जाएगा। अब एक चीज़ बताता हूँ, इनकी जो KPC आती है वो काफ़ी हैवी आती है। इसका मूवमेंट आप आसानी से कर सकते हो। इसमें आप देखोगे जिस हिसाब से इन्होंने ग्रैब किया हुआ है, वो ठीक किया हुआ है, कभी आपको प्रॉब्लम किसी चीज़ में नहीं आएगी। हाइड्रोलिक जितनी इनके जो है ना हॉसेस है, तो हॉस पाइप्स को इन्होंने पूरा तरीके से कंट्रोल किया हुआ है कि जब भी आप इसको सरकाओगे तो किसी हॉस में कोई डैमेज नहीं आना चाहिए। वो एक पर्टिकुलर पार्ट इसके बारे में है। अब अगर हम बात करें यहाँ की तरफ, तो देखो आपको यहाँ पे एक वॉल ब्लॉक देखेगा। वेल ब्लॉक जो है ना, वो काफ़ी बढ़िया वेल ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि ये मॉडुलर टाइप आता है, मतलब ये सैंडविच टाइप वेल ब्लॉक आता है, जो कि अपने आप में बहुत ही कमाल की चीज़ है। और मशीन के बारे में खास बात ये कि इसमें ना बहुत सारे ग्रीसिंग पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, तो हर पेन बोशिस पे आपको ग्रीसिंग मिल जाएंगी। अगर आप रेगुलर ग्रीसिंग करते हो तो आपको कभी कोई मेंटेनेंस नहीं आएगा, आपकी मशीन में कहीं से आवाज़ नहीं आएगी, ना ही कोई टूट-फूट दिखेगी। और एक चीज़ दिखाता हूँ कि इसमें 4 लाइटें आती है ऊपर की तरफ, ताकि अगर रात को आप काम कर रहे हो तो रात को आपको बढ़िया विजिबिलिटी रहे, और लाइट को आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। ऐसा नहीं फिक्स लाइट है, कैनोपी वाली लाइट्स नहीं है, कैनोपी के नीचे लगा रखी, तो अगर आपको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत उसको एडजस्टमेंट लगाना है तो एडजस्टमेंट कर सकते हो आप। यहाँ भी आपको लाइट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि रोड पे चलती है तो भाई इंडिकेटर, बैक लाइट, ब्रेक लाइट, रिफ्लेक्टर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। स्टेबलाइजर वगैरह में भी सेफ्टी के हिसाब से इन्होंने यहाँ रिफ्लेक्टर लगाया हुआ है कि हर जगह अगर आपकी मशीन कहीं साइड में खड़ी भी कर दी तो आपको चीज़ें दिख जाए। पीछे वाले हिस्से से आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आपको बहुत अच्छी लगने वाली ये चीज़ें। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ 150 लीटर का अब डीजल टैंक। अब डीजल ऐसी चीज़ है ना जो आपको भरनी होती है, कुछ लोग उस तरफ देते हैं, कुछ लोग इस तरफ देते हैं। मुझे पर्सनली डीजल जो है वो इस तरफ टैंक पसंद है, ड्राइवर साइड में टैंक पसंद है, ताकि बहुत सारी सहूलियत हम लोगों को होती भरते टाइम। हालांकि हम ज़्यादातर टाइम इन पर साइड पर ही डीजल भरते हैं, वो एक पर्टिकुलर पार्ट इस मशीन के बारे में और है। अब ब्रांडिंग वगैरह कुछ वैसी ही मिलती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो इंजन है वो कितना विशेष है, और इंजन के अंदर उन्होंने क्या कुछ डाला हुआ है। दोस्तों ये है किर्लोस्कर का 4R1190 नंबर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। अब इस इंजन के बारे में सबसे कमाल की बात ये कि BS4 या CEV-IV नॉर्म्स को फॉलो करता है। 4 सिलेंडर का इनलाइन वाटर कूल्ड इंजन है दोस्तों, और इसके बाद
इसमें निकल के आती है 74 हॉर्स पावर की पावर 2200 आरपीएम के ऊपर, 300 न्यूटन मीटर का शानदार सा टॉर्क है और वो सिर्फ 1300 आरपीएम पे आता है। मतलब जितनी कम आरपीएम उतना ज़्यादा टॉर्क, मतलब उतनी ज़्यादा ताकत इस मशीन के अंदर। अब नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, मतलब इसमें टर्बो वगैरह का कोई झंझट नहीं है मशीन के अंदर, काफ़ी बढ़िया है। और देखो इनलाइन पंप आपको दिख जाएगा, यहाँ पे पर्टिकुलर इनलाइन पंप है, किर्लोस्कर के घर से आता है। मतलब इसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा आसान है, हर जगह हर बंदा इस इंजन के बारे में सब कुछ जानता है और ये इंजन जो है कुछ इस तरह से आता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो रेडिएटर वगैरह दिख जाएगा, असेंबली वगैरह दिख जाएगी, तो काफ़ी इसको बहुत अच्छे से इन्होंने इसके अंदर एनकम्पास किया हुआ है, बहुत अच्छे से डाला हुआ है। कभी भी आपको इस इंजन से जुड़ी हुई कोई शिकायतें नहीं आएंगी, क्योंकि ये वो इंजन है जब अगर भारत की लीडिंग बैकहोई लोडर की भी अगर बात करें, जब वो भी पहली बार भारत में आई थी तो उसने यही इंजन यूज़ किया था और इन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया। ये इंजन यहाँ पे जानबूझ के रखा हुआ है। हालांकि फोर व्हील ड्राइव आप लेते हो अगर आपको मन कर रहा है, जिसमें एक इंजन ऑप्शन और मिलता है जो कि महिंद्रा का इंजन, वो भी कुछ ऐसा ही इंजन आता है, बट मेरे हिसाब से मुझे पर्सनली किर्लोस्कर का इंजन बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने बहुत लंबे टाइम इसको चलाया भी है। दोस्तों अगर अंडर बॉडी की हम बात करें तो पीछे की तरफ आपको करेरो का एक्सल दिख जाएगा, आगे की तरफ बीच में आपको ट्रांसमिशन दिखेगा जो कि बहुत कमाल का ट्रांसमिशन है, फेल प्रूफ ट्रांसमिशन कहते हैं हम तो इन सब एग्रीगेट्स को, पेटी पैक कहते हैं क्योंकि इनका कभी कुछ नहीं होता। यहाँ पे आपको देखो नीचे ऑयल सम्प भी देखोगे तो काफ़ी बढ़िया है, कभी कुछ हिट कर गया तो उसमें कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला है। सामने का जो एक्सल है फ्रंट, ये सेंटर पिवटेड एक्सल है, मतलब देखो बीच में से ये जो है होता है और इसको आप इस तरह से रोटेशन कर सकते हो। फ़ायदा होता है इसके 16 डिग्री ऑक्सीलेशन के साथ में ये मिलता है ना, तो बहुत कमाल का मशीन जो है वो ये ओवरऑल बन जाता है, ताकि आपको कोई दिक्कत कहीं नहीं आने वाली है। अब एक चीज़ और, अगर इस किर्लोस्कर इंजन के माइलेज की हम बात करें तो एक घंटे में लगभग 4 लीटर के आसपास डीजल खाती है। अगर हम 124 के केबिन के बारे में बात करते हैं तो आपको ये केबिन बहुत ही सुलझा हुआ लगेगा, इसमें कुछ भी ऐसे उलझाने वाला नहीं है, बहुत ही सरल सिंपल सी चीज़ें लगाई हुई हैं इन्होंने। देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो आपको जो लोडर के कंट्रोल्स मिलते हैं वो आपके हाथ पे मिल जाते हैं, ऑपरेटर को एकदम हाथ पे मिलने वाले काफ़ी सरल कंट्रोल्स वहाँ पे होते हैं, एक पर्टिकुलर पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि जैसे आपका जो ट्रांसमिशन है सिंक्रो सटल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसके अंदर आता है, तो हाथ पे ही आपको फॉरवर्ड और रिवर्स के मोड मिल जाते हैं कि फॉरवर्ड या रिवर्स जा रहे हो। दूसरी बात, ये जो गियर है ना कई गाड़ियों में 1, 2, 3, 4 करने के लिए, मतलब गियर के मोड सेलेक्ट करने के लिए बहुत दूर आता है, तो ये पर्टिकुलर गियर लेवर जो है वो आपका बहुत पास में आता है जो इस ट्रांसमिशन के साथ में अच्छे से काम करेगा। उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक एस्केलेटर आता है वो हेल्प करेगा आपको कि भाई अगर आपका ऑपरेटर कभी गंदे तरीके से चला रहा है, अनिश्चित आरपीएम में चला रहा है, तो मशीन कुछ इलेक्ट्रॉनिक हिसाब से, मतलब इसका जो मॉड्यूल है वो आपको पेस पिक करवाएगा, तो आपका डीजल बहुत ज़्यादा बच जाने वाला है। नीचे की तरफ आप देखोगे तो आपको ड्यूअल मोड में ब्रेक्स मिलते हैं, मतलब अगर आपको सिर्फ ब्रेक पे ही गाड़ी को टर्न कराना है, मुझे राइट व्हील लॉक करा के पूरा टर्न कराना है, तो वो आप करा सकते हो, दोनों को लॉक भी कर सकते हो, साथ में भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है आप किस एप्लीकेशन में जा रहे हो, आपका ऑर्बिटर कितना बढ़िया काम करता है। स्टीयरिंग व्हील हाइड्रो स्टैटिक स्टीयरिंग के साथ में आता है, मतलब कुल मिला के कह दो पावर स्टीयरिंग के साथ में आता है, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। छोटा सा स्टीयरिंग व्हील है और ये काफ़ी एफर्टलेस होता है, मतलब जैसे हम बैकहो वगैरह में कई बार लोडर पर काम करते हैं, आगे की फ्रंट लोडर पर काम करते हैं, तो हाईवे वगैरह भरते हैं, तो हाईवे वगैरह भरते में आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि मशीन बहुत जल्दी कट जाए, मशीन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत ही सरल इंस्ट्रूमेंट पैनल है, कि मतलब अगर ऑपरेटर बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है या ऑपरेटर को मान लो कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आप सिखा नहीं सकते, तो डिजिटल करने की कोशिश नहीं की गई, उसको डिजिटलाइजेशन की तरफ नहीं गया, सरल सरल चीज़ें करी हुई हैं वहाँ के, ताकि आपको भाई 4-5 बटन दे रखे हैं, केपीसी के लिए दे रखा है, लाइट्स के लिए दे रखा है, वो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। और यहाँ पे आरपीएम वगैरह भी इजीली दिख जाए, क्यों? क्योंकि आप अगर फ्रंट लोडर पे भी काम कर रहे हो तो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, पीछे की तरफ अगर आप एक्सकवेटर पे काम कर रहे हो तो भी आप देख सकते हो, वो एक पार्ट है। फिर फैन मिलता है ताकि वो फेस पे आ जाए, मतलब इधर अगर मैं काम कर रहा हूँ तो भी फेस पे हवा लगेगी, पीछे काम कर रहा हूँ तो भी मिलेगा। सारे ऑपरेटर भाइयों को हमारे गाना सुनना पसंद होता है, तो उसके लिए म्यूजिक सिस्टम कंपनी लगा के देती है, आपको अलग से नहीं जाना है। केबिन में एक लाइट भी मिलती है, जैसे कि आपको रात को अगर कोई सामान वगैरह आपका रख जाए तो। फिर बहुत सारी मशीनों के हमने केबिन में देखा है कि वहाँ पे जगह नहीं मिलती, जहाँ पे ऑपरेटर के साथ में कोई और बंदा बैठ सके वो जगह नहीं होती, तो यहाँ पे आप देखो प्रॉपर जगह दे रखी है, एक प्रॉपर गद्दी दे रखी है, और यहाँ पे जो है वो आपका पर्टिकुलर स्टोरेज एक मिलता है जिससे कि आप ऑर्डर वगैरह बैठ सकते हो, छोटा मोटा आपका सामान है वो भी यहाँ पे आ सकता है। और दोस्तों जो एक्सकावेटर के कंट्रोल आते हैं वो बहुत अच्छे इसमें आते हैं, मतलब ये लेवर की जो हाइट है वो बहुत अच्छी, कुछ में छोटे लेवर आते हैं, वो एक पर्टिकुलर पार्ट है। आप देखो ये लेवर में आपको मेहनत कम पड़ेगी क्योंकि दिन भर ऑपरेटर को इसी से काम करना है, तो अगर 8-10 घंटे आप मशीन डेली चलवा रहे हो, 24 घंटे डबल शिफ्ट में भी आपकी मशीन चल रही है, तो थकान नहीं होने वाली है इनके साथ में। क्यों? क्योंकि 118 LPM का फ्लो है भाई, हाइड्रोलिक का बहुत ज़्यादा फ्लो है, तो हाइड्रोलिक फ्लो के कारण क्या होता है कि आपके पंप बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, बहुत हाई रिस्पॉन्सिव होते हैं, तो इनसे आपको एक बार आदत पड़ जाएगी तो आपका ऑपरेटर इनका बहुत आदी हो जाएगा। कई बार स्टेबलाइजर आपने देखा होगा कुछ मशीन में नीचे की तरफ छोटे से आते हैं, तो स्टेबलाइजर अगर हम मार्च कर रहे हैं बार बार हमारी मशीन आगे बढ़ रही है, जैसे मान लो पाइपलाइन डाल रहे हैं, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो आप, जैसे ट्रेंचिंग वगैरह कर रहे हो, तो आपको बार बार आगे जाना पड़ता है, इसलिए ये लेवर जो है वो बहुत सही जगह दे रखे, ऊपर दे रखे मुझे, जो कि पसंद है। देखो मैंने एक सीट यहाँ देखा था, एक सीट यहाँ भी आता है,
हालांकि दोनों में से एक ही जगह कोई बैठ सकता है, ऐसे ज़्यादा लोगों को मशीन में कभी बिठाना नहीं है। ये जो केबिन आप ओवरऑल देख रहे हो, उस केबिन की जो कैनोपी है वो आपको रोल ओवर प्रोटेक्शन के साथ में मिलती है, मगर ROPS वाली जो आती है, मतलब अगर इसके ऊपर कभी मशीन पूरी पलट भी जाती है तो इसका मजबूत स्ट्रक्चर इसका है कि उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये वाला शीशा भी काफ़ी अच्छे से ऊपर हो जाता है, वेंटिलेशन वगैरह है, आपको जितने शीशे खोलने हैं आप साइड में शीशे वगैरह खोल के अपना काम कर सकते हो, सारी चीज़ें जो है आपको मज़ेदार लगने वाली हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं इस केबिन के बारे में। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस पैनल के अंदर क्या कुछ आता है और फिर हम बात करेंगे मशीन के बारे में फाइनली, जैसे कीमत, माइलेज, उन सब चीज़ों के बारे में। फोर व्हील ड्राइव के लिए बटन भी दे रखा है, फैन वगैरह अगर आपको चालू करना है तो फैन वगैरह यहाँ से चल जाता है, लाइट्स वगैरह आगे पीछे की, और ये हज़ार्ड लैंप वगैरह के लिए दे रखा होता है। अब इस मशीन में एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगती वो कि यहाँ पे RPM मीटर नहीं दे रखा, मतलब अगर RPM दे रहा होता ना तो आपको आसानी से ऑपरेटर को पता होता है कि वो कितने RPM पे मशीन सेट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको जो RPM मिलेगा वो डिजिटल वाला मिलेगा, जो कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, बाकी आपका काम तो चली जाएगा वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें वो और भी दिखाता है। ये आपका दिखाता है कितना गाड़ी के अंदर तेल है, मतलब डीजल गाड़ी के अंदर कितना है टेम्परेचर, गाड़ी का कितना है, अगर इंजन का टेम्परेचर रेज होता है, कूलेंट टेम्परेचर ज़्यादा रेज होता है, ये दिखा देगा आपको। बाकी जब बेसिक वार्निंग मिलती है, उलझाने वाला काम कुछ नहीं, सुलझाने वाला ही सारा काम है। यहाँ पे आपको मोबाइल वगैरह चार्ज आप कर सकते हो, स्टार्ट करने के लिए ये वाला बटन आता है, और ये नीचे की तरफ बोतल होल्डर मिलते हैं, छोटा मोटा बॉटल वगैरह होल्ड अप कर सकते हो सामान वगैरह, और ये आपको रिमोट मिलता है, और इस रिमोट से आप अपना म्यूजिक सिस्टम वगैरह चला सकते हो। हैंड ब्रेक यहाँ आता है मशीन का। तो ये कुछ पर्टिकुलर पार्ट है, और केबिन सच बताऊँ तो बड़ा है, अगर आप थोड़ा वो सामान भी रखते हो ना केबिन में, जैसे हम बैकहो में रखते रहते हैं अक्सर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, वो चीज़ भी बहुत आसान रहने वाली है। अब दोस्तों एज का 124 डिग मास्टर के बारे में ये सारी बातें थी, मतलब अगर मैं सच बताऊँ तो आपको कॉम्पिटिशन तो थोड़ी सी मशीन सस्ती मिलने वाली है, साथ में अगर आप पुराने बैकहो ओनर हो या आपने बैकहो के मार्केट को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया हुआ है तो आपको पता है कि किर्लोस्कर के इंजन पर कितना भरोसा किया जा सकता है। मतलब एज को तो छोड़ो आप, मुझे पता है कि मैं करो के एक्सल पर भरोसा कर सकता हूँ, मुझे पता है कि यार मैं इन सब चीज़ों का भरोसा कर सकता हूँ, मतलब आप वेल ब्लॉक्स भी देख लो कि इनका मॉड्यूलर है सैंडविच टाइप है, तो मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं। बूम भी आप देखो कि लगभग 9 इंच के आसपास इसकी ज़्यादा हाइट आती है, मतलब रैंप बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारी बातें इसके बारे में ऐसी हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, मशीन मुझे अच्छा लगता है। तो अगर आप एक बैकहो देख रहे हो मार्केट में, नया बैकहो देख रहे हो, तो आप इनके नंबर पर कॉल कर सकते हो, टोल फ्री नंबर है 1800-1800-004, इस पर आप लगा लो कॉल, और इस पर कॉल लगाने के बाद में आपकी लगभग सारी क्वेरीज और अगर कोई आ रही है तो वो पूरी हो जाएंगी। खरीदना है तो वो भी आप इनको बता देना। कुछ और ऐसे मशीनों के आपको वीडियो देखने तो आप मुझे वो भी बता सकते हो। फिलहाल ये सारी बातें इस मशीन के बारे में, मुझे मशीन अच्छी लगती है, मेरे हिसाब से मशीन आपको धोखा नहीं देगी, एक लंबे रन में आप इसको चलाओगे ना तो चला सकते हो, क्योंकि मशीन एक 74 हॉर्स पावर की मशीन है भाई, तो काम तो आपका निकाल के देगी। 118 LPM का इसका हाइड्रोलिक फ्लो है, मतलब काम तो प्रॉपर निकाल के देगी और अच्छे माइलेज के साथ में निकाल के देगी, वो एक पर्टिकुलर पार्ट इस मशीन के बारे में रहने वाला है। तो बस ये सारी बातें थी इस मशीन के बारे में, उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो फ्री आपके लिए। तब तक के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, इंश्योरेंस वक्त से पहले रिन्यू कराइए, और ट्रैफिक पुलिस में से बेवजह मत झगड़िए। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।